ट्रेन पढ़ रहे थे तो 94 क्वेश्चन हो गए था, 95 देखते हैं हम। 95 नंबर देखते हैं भाई, कितना अच्छा क्वेश्चन है और कैसा क्वेश्चन है और एग्जाम में इसकी वेटेज क्या है। नाइन्टी फाइव नंबर है क्वेश्चन का। रहा ए ट्रेन गोज फ्रॉम पी टू क्यू विद ए स्पीड ऑफ यू किलोमीटर पर आवर, देन क्यू टू आर, क्यू आर बराबर टू पी क्यू विद ए स्पीड ऑफ 3 u किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न आर टू पी एट यू बाई 2 किलोमीटर पर आवर। वट इज़ द एवरेज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर ऑफ ट्रेन फॉर द इंटायर जर्नी स्टार्टिंग फ्रॉम पी एंड बैक टू पी। एक किताब में भी दे रखा है क्वेश्चन। एक ट्रेन यू किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पी से क्यू तक जाती है, फिर 3 u किलोमीटर प्रति घंटा की गति से क्यू से आर तक, क्यू आर बराबर 2 p की जाती है, और फिर यू बटे 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आर से पी तक वापस आती है। पी से यात्रा शुरू करके पी तक वापस आने के लिए ट्रेन की औसत गति कितनी है, किलोमीटर पर आवर में कितनी है ये बताना भी आपको, बता दो कितनी आप। कोशिश करो, क्वेश्चन आएगा, बढ़िया क्वेश्चन है। बता दो भाई, शाबाश। क्वेश्चन लिख लिए कल वाले, चलो अच्छी बात है, विश्वास तो नहीं था मुझे। खैर आया, देखो इधर ध्यान से सुनना। एक ट्रेन है यू किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पी से क्यू तक जाती है, पी से क्यू तक जाती है भाई। यहाँ से एक ट्रेन गई पी से क्यू तक किसकी स्पीड से, यू किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गई। यू किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गई यहाँ से, ठीक है। फिर 3 u किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, ये यू किलोमीटर पर आवर है, फिर 3 u किलोमीटर पर आवर की गति से क्यू से आर तक गई। ये आर है, यहाँ पे गई 3 u किलोमीटर पर आवर की गति से, यही कह रहा है। और फिर यू बाई 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आई, पहले तो यहाँ से यहाँ तक गई, फिर यहाँ से यहाँ तक गई, अब यहाँ से वापस आई यू बाई 2 किलोमीटर पर आवर की गति से, यही कह रहा है क्वेश्चन में। यू बाई 2 किलोमीटर पर आवर की गति से वापस आई है। आगे कह रहा है आर से पी तक वापस आती है, पी से शुरू कर कर तो ट्रेन की औसत गति क्या होगी यदि क्यू आर बराबर 2 p q दे रखा है। क्यू आर बराबर 2 p q, यानी कहने का मतलब ये है ये एक यूनिट है तो ये कितनी यूनिट है, और टोटल 3 यूनिट। अगर क्यू से आर तक यू की स्पीड से जा रहे हैं, पी से क्यू तक, क्यू से आर तक और वापिस आ रहा है यू बाई 2 से, तो इनका एलसीएम क्या होगा, तीनों से कटने वाली संख्या 3 u, तो यू से 3 u, 3 u को काटा कितना आया, और यहाँ से काटा और यहाँ से काटा, यू से 2 ऊपर चलाएगा 6 आ जाएगा। अब ये यहाँ से यहाँ तक कितनी यूनिट थी, ये होती है हमारी डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की 1 यूनिट थी और यहाँ पे कितनी यूनिट थी, और टोटल वापिस कितनी यूनिट थी, और एवरेज स्पीड हमने बचपन में पढ़ा है अभी भी पढ़ा है, टोटल
डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अगर मैं टाइम की बात करूं तो 3 × 1 यहाँ कितना टाइम आएगा, मैं दूसरे मार्कर से लिखता हूँ, यहाँ पे देखो 3 × 1 की बात करते हैं यहाँ पे कितना टाइम आएगा, 1 × 2 की बात करें कितना टाइम आएगा, और 6 × 3 की बात करें कितना आएगा, टोटल टाइम कितना आ गया, 23 आ गया। यानी हमारे पास एवरेज की बात करूँ तो टोटल टाइम तो 23 आ गया, कितना आ गया 23 आ गया। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे हमें क्या चाहिए, टोटल डिस्टेंस चाहिए, तो यू गुना एक कितना होता है, यू होता है, 3 × 2 कितना होता है 6 U, और यू बटा 2 कितना होता है 3। या तो ऐसे कर लो, या आप डायरेक्ट निकाल सकते हो यहाँ कितना था और डिस्टेंस कितनी थी, तो 3 × 6 कितना होता है 18 U/23, इसकी एवरेज स्पीड आ जाएगी जो कि ऑप्शन नंबर ए है आपके पास। क्लियर है? देखो ऐसे टेक्निकल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, 2019 का क्वेश्चन है CPO के पेपर का, CPO का पेपर समझ रहे हो जो अभी आया था करंट में। अब ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं आप, आपको नंबर नंबर बोल रहे हो कि बच्चों को लग रहा है कि क्वेश्चन के अंदर तो नहीं क्या दे रखा है। बताएं देखो नंबर, ए पैसेंजर ट्रेन डिपार्ट फ्रॉम दिल्ली एट 6 PM फॉर मुंबई एट 9 PM। एन एक्सप्रेस ट्रेन हुज एवरेज स्पीड एक्सीड दैट द पैसेंजर ट्रेन बाई 15 km/h लीव्स मुंबई फॉर दिल्ली। टू ट्रेन मीट ईच अदर मिड रूट, एट वट टाइम डू दे मीट गिवन दैट द डिस्टेंस बिटवीन द सिटी इज 1080 किलोमीटर, 1080 किलोमीटर। एक पैसेंजर गाड़ी दिल्ली से 6 PM पर छूटती है और दूसरी एक्सप्रेस गाड़ी मुंबई से 9 PM पर छूटती है, जिसकी औसत चाल पैसेंजर गाड़ी की औसत चाल से 15 km/h अधिक है। ठीक है, यदि वह दोनों बिल्कुल बीच में मिलती है तो बताओ कितने बजे मिली थी। यदि दिल्ली और मुंबई के बीच की दूरी 1080 किलोमीटर है, इतनी है 1080 किलोमीटर, बता दो भाई, ये तो मैंने कराया हुआ क्वेश्चन पहले भी। आया? देखो एक पैसेंजर गाड़ी दिल्ली से कितने पे छूटती है, ये दिल्ली है, यहाँ से 6 बजे छूटती है पैसेंजर गाड़ी, और दूसरी कौन सी ट्रेन है, एक्सप्रेस ट्रेन है, कितने बजे छूटती है,
पीएम पे दोनों, 9 PM पे। कहाँ से? मुंबई से। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 80 किलोमीटर। फिर इसने क्या बोला है, यदि जिसकी औसत साल पैसेंजर औसत साल से 15 किलोमीटर, अगर पैसेंजर की स्पीड की बात करें हम, अगर इसकी स्पीड एक्स किलोमीटर पर आवर है तो इसकी कितनी होगी? एक्स प्लस 15 किलोमीटर पर आवर। इसने क्या बोला, एक लाइन और बोलिए, दोनों बिल्कुल बीच में मिलती है। बिल्कुल बीच का मतलब एक इधर 80 है तो इधर कितनी डिस्टेंस, और इधर भी 540। बिल्कुल सिंपल सी बात, अगर 540 एक्स से चल रहा है और यहाँ 540 किससे चल रहा है, तो एक 6 बजे एक 9 बजे, यानी कितने घंटे का अंतर है दोनों में? ये 9 PM है, 3 घंटे का अंतर है, 3 घंटे का। आप इस इक्वेशन को सोल्व कर लो, या मैंने ऐसे ही बताया, अगर 15 से 3 पे फर्क पड़ रहा है, देखो मैंने बताया नहीं बताया ये बात, अगर 15 से 3 पे फर्क पड़ रहा है तो 30 से कितने पर फर्क पड़ेगा, और 45 से, और 60 से। देखो 60 × 9 = 540 होता है, 45 × 12 भी 540, तो स्पीड एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? 45। अगर एक्स की 45 है तो कितनी दूरी थी, तो 540 45 की स्पीड से कितने घंटे में तय करी होंगी? 5 से काटा, 5 × 9 = 45, 108। कितने घंटे में? तो 6 बजे में 12 घंटे जोड़ो, शाम के 6 में 12 जोड़ोगे तो सुबह के 6 बजेंगे नहीं बजेंगे? आपसे यहाँ पुट कर लो तो भी आंसर यही आएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी आ गया, सुबह के 6 बजे। बढ़िया क्वेश्चन था ये भी। मिटा दो। नाइन्टी 7 नंबर देखो, ए स्क्वेयर प्लेग्राउंड मेजर 1127.6164 स्क्वेयर मीटर, 1127.6164 स्क्वेयर मीटर। इफ़ ए मैन वॉक 49/20 meters इन ए मिनट, द टाइम टेकन बाय हिम टू वॉक 1 राउंड इट इज़ अप्रोक्सीमेटली, लगभग में ऑप्शन दे रखा है। एक वर्गाकार खेल के मैदान का क्षेत्रफल 1127.6134 वर्ग मीटर है। यदि कोई व्यक्ति 1 मिनट में 49/20 meters चलता है तो उसे उस मैदान के परिक्रमा में लगभग कितना समय लगेगा, तो उसे मैदान के परिक्रमा में लगभग कितना समय लगेगा बता दोगे? बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन था ये, एग्ज़ाम ने दिया है जो कि आप लोगों को, लेकिन आप इंटेलिजेंट हो, आप कौन सी कैलकुलेशन से डरते हो? आया
टाइम लो, बनाओ, थोड़ा सा कैलकुलेटिव तो है, मानते हैं, पूरा नहीं है, थोड़ा सा है। देखो, एक वर्गाकार खेत है, मान लो ये स्क्वेयर फील्ड है, इसका एरिया क्या होता है? 54.8 ए स्क्वेयर होता है। इस ए स्क्वेयर की वैल्यू कितनी दे रखी है? तो इसका ए की वैल्यू निकालेंगे, यही आएगी कितनी आई? 33.5। कैसे निकाला? ये तो अंडर रूट करा अच्छा, ऐसे ही पेयर बना बना के, तो इससे अंडर रूट करा, कैलकुलेटर से पेपर में कहाँ कैलकुलेटर जाएगा? ये अंडर रूट करा ना, बाकी थोड़ी पेयर पेयर बना के करोगे ऐसे, ठीक है? अगर आपको यहाँ से शुरू करके इस पे वापिस यहीं पे आना, तो आप क्या करोगे? इसका पैरीमीटर, पैरीमीटर होता परिमाप, कितना? तो 4 गुना इतना। और इसने बोला 1 मिनट में कितना चल रहा है? 49/20, तो 20 ऊपर चला जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना? 100। आप लगभग में काट लो 1-0 से, 1-0, बाकी 10 को मत काटो, 49 को काट लो, लगभग 12 से कटेगा मान लो, और 12 से इसको काटोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 54.8 मिनट, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। देखो, कैलकुलेटिव चीज़ आती हैं कुछ ना कुछ, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं। लेकिन आगे बढ़ते हैं, अगला भी थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। देखो, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, 16, 17, 18, 19 के मेंस के, प्री के नहीं है, इसलिए मैंने समझा कि अच्छे क्वेश्चन है, नए क्वेश्चन है, करा दो आप लोगों का, नहीं तो ट्रेन में पहले ही पूरा कर चुका हूँ आप, टाइम स्पीड डिस्टेंस रेस भी पूरा हो चुका है। अब नाव और धारा शुरू करेंगे। देखो, बता दें तो चुपचाप कैलकुलेटर चला लेती है लड़की, पता भी नहीं चलता भाई, इतना सार तरीके से तो मैंने कभी पेपर में भी नकल नहीं मारी 11th 12th के, चलो तो पता चल जाता किसने मारी है। द व्हील ऑफ बाईसाइकिल ए एंड बी हैव रेडियस 30 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। वाइल ट्रैवलिंग ए सर्टेन डिस्टेंस, ईच व्हील ऑफ ए रिक्वायर्ड 5000 मोर रिवॉल्यूशन देन ईच व्हील ऑफ बी। इफ बाईसाइकिल बी ट्रैवल द डिस्टेंस इन 45 मिनट दैन इट्स स्पीड इन किलोमीटर पर आवर वॉच। साइकिल ए और बी के पहियों की तिरछा क्रम से है 30 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर है। एक निश्चित दूरी की यात्रा करते समय ए के प्रत्येक पहिए में 5000 से अधिक चक्कर की आवश्यकता होती है। यदि बी ने इस दूरी को 45 मिनट में तय किया हो तो उसकी गति किलोमीटर पर आवर में कितनी थी? किलोमीटर पर आवर में कितनी थी बता दो। देखो, एग्ज़ाम कितना जालिम है, उसको पता है 2πr लगाएंगे बच्चे, और नीचे 22/7 आएगा, सब में 7 दे रखा है, एक में दे तो कितना, एग्ज़ाम को पता है बच्चा क्या चीज़ खोजता है।
काटा भी नहीं है, ऑप्शन फ्रैक्शन में है भाई। वाह, ये 2016 का क्वेश्चन है लेकिन है मेंस का। आया लेकिन क्वेश्चन घटिया सा है। देखो साइकिल ए और बी, एक साइकिल तो ये है ए, इसकी रेडियस दे रखी कितनी 30 सेंटीमीटर में है। एक साइकिल का पहिया ये बी, इसकी रेडियस दे रखी है 40 सेंटीमीटर। अगर मैं बात करूँ डिस्टेंस, ये डिस्टेंस उतनी कवर करेंगे जितनी इनकी सरकमफ्रेंस होगी ये वाली, इसको बोलते हैं परिधि। तो परिधि पहले करेगा 2 पाई आर ए वाला, और बी वाला करेगा 2 पाई आर, ये तो कैंसिल आउट होगा। आर यहाँ 30 है यहाँ, तो डिस्टेंस का फोर रेशियो 3:4 है, तो टाइमिंग का रेशियो 4:3 हो गया। आगे कह रहा है निश्चित दूरी की यात्रा कर समय ए के प्रत्येक पे में 5000 से अधिक चक्कर होते हैं। कितने होते हैं? 5000 से अधिक चक्कर। यहाँ एक की वैल्यू 5000 है, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी? 5000 × 4 20000 चक्कर। अगर ये 20000 है तो 5000 × 3 ये कितने चक्कर होंगे? 15000। फिर पूछा किसका है? बी ने इस दूरी को 45 मिनट में तय किया। टाइमिंग दे रखा है किसका? बी का टाइम दे रखा है कितने मिनट? 45 मिनट। और बी ने कितने समय में तय किया? अगर बी की बात करें, बी एक चक्कर करता है 2 पाई आर कितना? 40 इतने में, और 15000 चक्कर करेगा इतने में। अब देखो ध्यान से सुनना, ये 45 मिनट है, ये चक्कर है। अगर मैं 45 मिनट की बात करूँ तो घंटे के लिए कितना ऊपर जाएगा? 60। ये 2 पाई आर सेंटीमीटर में है, ये मिनट में है, यानी इसको हमने घंटे में कन्वर्ट किया, चक्कर ले लिया। ये सेंटीमीटर में, ये अलग यूनिट है, इसको भी किलोमीटर में बनाओगे तो किलोमीटर में बनाने के लिए सेंटीमीटर को मीटर में बनाएंगे किससे गुणा, और मीटर को किलोमीटर में बनाएंगे तो किससे? 1000 से। अब इसको सोल्व कर लो, 3 0 से 1 0 से 1 0 से 1 0, और कोई कट रहा है? 15 थी, 3 से काटा 2 बार, और कोई तो नहीं कट रहा। 2 × 4 8 × 2 16 × 22 होता है 352, और नीचे कितना? 7 किलोमीटर है। ऑप्शन में किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड हो जाएगी। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन है। देखो ये थोड़ा सा ट्विस्ट था, इसको किलोमीटर में चेंज करना था। अच्छा क्वेश्चन था ये। मिटा दो, नाइन देखो। गिवन दैट द लेंथ ऑफ पाथ ऑफ बॉल थ्रोन विद डिफरेंट स्पीड बाय 2 बॉयज आर इन द सेम, and then the average speed of first
सेकेंड थ्रोन आर रिस्पेक्टिवली 90 किलोमीटर पर आवर एंड 162 किलोमीटर पर आवर, देन वट इज़ द टाइम टेकन बाई द फर्स्ट थ्रोन टू कवर द लेंथ इफ द सेम फॉर द सेकेंड थ्रोन इज 1 सेकेंड। भाई वाह, दिया हुआ है कि दो लड़कों द्वारा अलग अलग गति से प्रक्षेपित किसी गेंद के मार्ग की लंबाई समान है। भाई दो बंदों ने गेंद फेंकी, यहाँ से वहाँ तक लंबाई समान है, एक की स्पीड रखी 90 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे की 162। यदि दूसरे प्रक्षेप को उस लंबाई को तय करने में 1 सेकेंड लगता है तो पहले को कितना समय लगेगा? दूसरे को 1 सेकेंड लगता है तो पहले जाहिर सी बात है 1 से ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि पहले की स्पीड कम है। बता दो, बेसिक क्वेश्चन है तो बच्चों वाला। सीनती सी बात है, देखो यार, बिल्कुल स्पीड की बात करते हैं, पहले की स्पीड इतनी है, दूसरे की कितनी है? 18 से 18 95 18 95 162। तो टाइम की बात करें कितना रेशियो आएगा? 9/5। दूसरे वाले को कितना सेकंड लगता है? 5 के लिए 1 सेकंड। तो 5 की वैल्यू 1 है, तो 1 की वैल्यू 1/2, और 9 की वैल्यू कितनी होगी? 9/5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है? अब आपका एक लास्ट टाइप और रह गया है, एस्केलेटर बेस्ड क्वेश्चन, उसको एक पार्ट में और देखते हैं। अब इसको पहले मिटा दूं, फिर करते हैं उसको। मिटा दें, चलो आप एक्सलेटर बेस क्वेश्चन के 6, 7, 8 क्वेश्चन जो भी और देख लेते हैं, फिर आपका समाप्त हो जाएगा टाइम स्पीड डिस्टेंस बिल्कुल डिटेल में। भाई जब एक्स प्लस वन बाई एक्स कुछ भी दिया और क्यूब में पूछे, तो जो भी नंबर दिया उसकी क्यूब करनी है और उसका 3 गुना घटाना है।